गुड मॉर्निंग एवरीवन। शायद मैंने कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 7th को मैं यहाँ से काठमांडू से इंडिया जा रहा हूँ। फाइनली यहाँ से मैं रिजाइन पीरियड में हूँ, ठीक है। और मेरा 15 तारीख का, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने सोचा कि एक छोटा सा रेसिपी का ब्लॉग डाल देता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने कोई अपडेट दिया नहीं हूँ। तो बेसिकली आज मैं बनाने जाऊँगा ब्राउन ग्रेवी। ब्राउन ग्रेवी एक ऐसा मास्टर ग्रेवी है, आपके हर खाना को डिलीशियस कर सकता है। और यूज करने का तरीका और बनाने का तरीका प्रॉपर रेसिपी के साथ मैं बनाऊँगा। तो बिना वीडियो को बिना स्किप करें देखिए, ठीक है। तो बिना देर करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली मतलब जाने का दिन आ चुका है, तो है ना, ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 महीने में काफ़ी सारा एक अटैचमेंट यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के स्टाफ के साथ में मुझे। सो ग्रेजुअली मुझे चाहिए ब्राउन ऑनियन, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन है ये, ठीक है। इसके लिए दही 200 ग्राम के करीब दही है, 200 ग्राम के करीब आपका टमाटो प्यूरी है। टमाटो प्यूरी आपके पास अगर नहीं हो तो फ्रेश टमाटो को ब्लांच करके पीस के भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा बे लीफ, कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, क्लोव्स, ब्लैक पेपर और सिनेमन और बड़ी वाली इलायची नहीं, ओके। और इसके लिए थोड़ा सा मुझे देगी मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग नमक, ठीक है। किचन किंग का आपने रखा नहीं, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। किचन किंग और नमक, ये मतलब 3-4 चीज़ें जो है उसके लिए। और इसको बनाने के जो तरीका है, और सबसे पहले मैं इसको दही को और ब्राउन ऑनियन को, या आधा ब्राउन ऑनियन लूँगा, ज़्यादा ब्राउन ऑनियन लूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन ऑनियन ग्रेजुअली अगर आप डालोगे ना तो कड़वा हो जाएगा, फिर आप उसको है ना ढंग से बना नहीं पाओगे। तो ये दोनों को पहले मिक्सी में ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद मैं कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रखो उसको, रखो उसको, हटा दे इस पैन को, हटा दे ये पैन को, हटा के इसको रखो। बहुत बढ़िया, गैस जला, गैस जला, पसंद है इधर, गैस जला, गैस जला। तो ये पीस चुका है ना दही और ब्राउन अनियन। हाँ, उसमें ऑयल डालो। ऑयल जब भी ध्यान रखना, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, 200 ग्राम के करीब ऑयल लेना है, ठीक है। और ले, ये तो 85 ग्राम हुआ, थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा और ले, ज़्यादा तेज मत करो। अरे जिंजर गार्लिक पेस्ट कहाँ है? जिंजर गार्लिक पेस्ट तो तुमने दिया ही नहीं। तो यस, तो मैं भूल गया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अहम है, इसमें होना नेसेसरी, होना ही होना है, उसके बगैर ढंग से बन नहीं पाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग गर्म मसाला डालेंगे, जिसमें साबुत गर्म मसाला है। ये तीनों तेज पत्ता डाल दो, और इसमें से कम 5-6 इलायची और दालचीनी ले, और ले, और ले, और ले, और ले थोड़ा सा और, हाँ बस, और 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च। क्या कर रहे हो गुरु, डालो उसमें, हाँ डालो, हल्का से उसको वॉश करो, हाँ बस। अब तो पेस्ट मारो, जिंजर गार्लिक पेस्ट मारो, ये दिखा के डालना, हाँ डाल दो थोड़ा सा और लो, डाल दो। तो मैंने जैसे है ना पहले धनिया पाउडर भी मैंने बोलना भूल गया था। सो सबसे पहले मैं धनिया पाउडर इसमें डालना, इसमें धनिया पाउडर डालना, डालो 2 स्पून डालो, हल्का हल्का हल्का, हाँ। रेड चिल्ली डालो, 2 स्पून मारो, एक और मत, बस। किचन किंग मारो 1.5 स्पून, थोड़ा सा नमक मारो और मैं, अब मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्योंकि थोड़ा सा मुझे पानी डालना है, ठीक है। तो मसाले को इस हिसाब से डालना, ताकि मसाले ना यूजुअली हम लोग जब भी बाज़ार से मसाला खरीदते हैं ना, जो पैकेट का, वो इतना गर्म मशीन में मतलब पीसते समय इतना गर्म हो जाता है ना, तो उसका टेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाता है। फिर आप ऐसे उबलता हुआ तेल में डालोगे तो और ज़्यादा वो जल जाएगा, उसको डाल दो। तो थोड़ा सा पानी में डाल के डालो, तो उसका फ्लेवर का कंसिस्टेंसी बना रहेगा। इसको आप अच्छा से पकाते हैं, तो थोड़ा सा धीरे गैस में ना
इतना हो गया, इतना इसका कुकिंग हुआ, तो इसके पहले सबसे पहले मैं डालूंगा जो मेरा वो बना हुआ, देना मेरे को। हाँ ये इसको डालो इसमें। इसको इसमें थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद टमाटो प्यूरी ऐड करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लूज हुआ है ना, ऐसा लूज होने के बाद अब मैं ऐड करने जाऊंगा इसमें बसंता, इसमें डालो थोड़ा सा इलायची पाउडर, डालो छोटी इलायची पाउडर, हाँ डाल थोड़ा सा डाल, परफेक्ट। गरम मसाला डालो डेढ़ स्पून, बस बहुत है बहुत है, एक ही स्पून बहुत है, टी स्पून का थोड़ा भरके ज़्यादा डाल दिया था इसने। अब मैं इसमें डालने को बोलूँगा टमाटो प्यूरी, यस टमाटो प्यूरी ऐड करो, डाल दो और डालो और डालो और डालो, पूरा डालो, नीचे से चिपक रहा थोड़ा सा निकालो, हाँ बस परफेक्ट। अब इसको अच्छे से पकाना, ठीक है, इसको अच्छे से पकाने के बाद में मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ये अब बिल्कुल धीरे आंच में इसको ढक्कन लगा के कम भी आधा घंटा तक इसको पकाते रहना है, बीच बीच में आपको हिलाना है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फ्रेगनेंस, इसके साथ टेस्ट आएगा ना, अल्टीमेटली सीरियसली कभी ट्राई करके देखना, अगर आप लोग ब्राउन ग्रेवी यूज़ नहीं कर रहे हो होटल्स में इंडियन क्यूजिन में, तो आज से ही बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका ये कहना एक तरह से ना सिग्नेचर ग्रेवी, मास्टर ग्रेवी बन जाएगा। ढक दो, पूरा पूरा ढक दो, इसको बाहर निकाल लो, हाँ निकालना, इसको बाहर निकालना। सो हाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसका ना, इसका शकल कैसा होगा, बिल्कुल देखो कितना यम और कितना टाइमटिंग लग रहा है ना इसको। और ये जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो ये गरम मसाला, जैसे तेज़पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, या फिर बड़ी इलायची, छोटा इलायची, ये छांट के आप लोग जब भी डिश में डालोगे ऐड करोगे। इसमें थोड़ा सा डालना मेरे को, मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बस बस बस, इसका ऑयल पता है, इसका ऑयल इसलिए रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये मास्टर ग्रेवी है और तीन चार दिन ये चल जाएगा। तो जब भी आप कोई भी ग्रेवी का आइटम बनाते हो या कोई स्पेशल चीज़ बनाते हो, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा टच कर लो, पूरा पूरा डालने का ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पूरा डालोगे तो हो सकता है इसका फ्लेवर ज़्यादा डोमिनेटिंग करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि है ना, ग्रेवी कितना टाइप के होने चाहिए। यूजुअली लोग प्याज का ग्रेवी, येलो ग्रेवी भी इंडियन में यूज़ करता है, या फिर कोई वाइट ग्रेवी में भी प्याज डाल देता है, लेकिन वो सारे मेथड प्रैक्टिस ना करो, उसको प्रैक्टिस में ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा सिर्फ सिंपल सा थॉट है कि टमाटो ग्रेवी और वाइट ग्रेवी जो काजू और मगज से बनता है, और एक ये जो मैंने आज बना के दिखाया हूँ ब्राउन ग्रेवी, ये तीन ग्रेवी और एक चॉप मसाला, ये चार ग्रेवी मोर देन सफिशिएंट है आपको वेज, नॉन वेज, सीजनल वेज, कोई भी चीज़ इंडियन क्यूजिन में बनाने के लिए मोर देन इनफ है। इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करा सकते हो, फ्लेवर बदल सकते हो, क्यूजिन का टेस्ट अलग अलग अपने हिसाब से दे सकते हो। ये तो था ग्रेवी का पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा सा ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को लोग बोल रहे थे कि यार शेफ पनीर लवाबदार एक बार बना के दिखा दो, बता दो। तो मेरा भी एक इच्छा हुआ कि चलो यार पनीर का एक पीस बना के दिखा देता हूँ, और कितना इजी होता है जिस हिसाब से हम लोग ग्रेवी प्रिपरेशन करते हैं। तो पनीर लवाबदार नॉर्थ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत फेमस है। मेरे साथ में मेरा शेफ़ है जूनियर बसंता, ही कोऑर्डिनेट फॉर द कैमरा एंड ऑल, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली उसके लिए मुझे चाहिए चॉप मसाला, जो लास्ट मैंने लास्ट सीरीज़ में भी बताया था ऑनियन टमाटो को कैसा चॉप मसाला बनाते, और वो ये है। थोड़ा सा मुझे चॉप कैप्सिकम चाहिए होगा, फ्लेवर अडोन करना होता है इसमें, इसके लिए मुझे फ्रेश पनीर, और जो मैंने ब्राउन ग्रेवी बनाया था उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया हूँ, थोड़ा सा टमाटो ग्रेवी, थोड़ा सा वाइट ग्रेवी, उसके साथ में नमक मिर्ची और गरम मसाला, क्या क्या डालना है, क्रीम डालना है, मुझे बटर डालना है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जब एड ऑन करूँगा तो मैं बताते जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चूल्हा जलाने से। मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे पास घी पड़ा हुआ है, हल्का सा घी, ठीक है। घी के साथ साथ में मैंने लिया चॉप मसाला। चॉप मसाला आपको ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैं एक ही पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा मैं ब्राउन ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, हल्का सा,
थोड़ा सा मुझे टच करना है व्हाइट ग्रेवी का। इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ है, तो इसमें मैं यूज डाल रहा हूँ जो मैंने कैप्सिकम रखा हुआ था, थोड़ा सा कैप्सिकम, ठीक है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, मैं हाथ से ही डाल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैं इधर से डाल देता हूँ थोड़ा सा, मैं किचन किंग, जस्ट पिंच ऑफ किचन किंग, पिंच ऑफ गरम मसाला, और इसके साथ साथ में मेरे पास है थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसको थोड़ा सा मैं टॉस करूँगा। ग्रेजुअली ये होता है ना कि हम लोग आलागट, जब भी आलागट में कोई भी सब्जी बनाते हैं, चाहे चिकन टिक्का हो, पनीर बटर मसाला हो, पनीर लवाबदार हो, विद इन अ मिनट तैयार करके देना होता है। तो सब कुछ प्रिपरेशन है ही, बस उसको आप जब आप कुकिंग को जो फाइनल टच दे रहे हो ना, तो फाइनल टच के अंदर कैसा टेस्ट होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, सिर्फ आपको वो चीज़ सही ढंग से मैनेज करके देना है। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, पनीर के साथ साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें क्रीम। क्रीम आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब टी स्पून से तीन स्पून के करीब आपको डालना है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ चॉप धनिया, और थोड़ा सा चॉप अदरक, और थोड़ा सा हरी मिर्च। कलर और टेक्सचर इससे ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए पनीर लवाबदार, ठीक है, यही ग्रेवी इतना ही होना चाहिए। यस, सो ये है पनीर लवाबदार। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ कैसे बना है, क्योंकि मैं पनीर तो यूजुअली खाता नहीं हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी खा लेता हूँ। बहुत सही है गुरु, खाओ। थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, अगर चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। टिल देन बाय बाय।